अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। क्या हाल आप सबका, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो जल्दी से व्लॉग स्टार्ट करते हैं क्योंकि क्योंकि व्लॉग स्टार्ट करते हैं सामने मैं हूँ और मैं आप लोगों को मेरा साया नज़र आ रहा है। और जो है ना, अभी मैं लगाने लगी हूँ टॉनिक, लगाने लगी हूँ। व्लॉग मैंने कितने बजे स्टार्ट किया है जनाब? व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है पौने नहीं तो बजे का टाइम है, बड़ी भी उल्टी हो गई। अच्छा, 12 बजने वाले हैं, ठीक है। और अभी मैं ये टॉनिक लगाने लगी हूँ, तो जल्दी से ये टॉनिक लगाते हैं, फिर मिलती हूँ। मौसम बहुत बहुत अच्छा है और अभी बस मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना खाना खाऊँगी। और आपको पता है कि आपकी बहन ने आज से डाइट स्टार्ट कर ली है? नहीं पता ना, अभी डिटेल में बताती हूँ। सबर ओके। तो ये है मेरा खाना, आधी से ज़्यादा रोटी है, ठीक है, आधी से ज़्यादा रोटी है। जब आहिस्ता आहिस्ता आदत पड़ जाएगी ना तो इतनी होती जाएगी, फिर इतनी होती जाएगी, और इतना सा सालन, ठीक है। डाइट में रोटी क्यों नहीं छोड़ते ये मैं आप लोगों को खाना खा के बताऊँगी। इससे पहले मैंने एक गिलास पानी पी लिया है ताकि मेरा पेट जो है ना हल्का फुल्का भर जाए, ठीक है। ओके, खाना मैंने खा लिया, तो मैं सोच रही हूँ कि 2 महीने रह गए, तो इन 2 महीनों में तो मैं कम से कम थोड़ी बहुत तो डाइट करूँ ना। पहले मेरा वेट था 58 और अब मेरा वेट हो गया 61, तो मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा है। तो अब मैं ना डाइट स्टार्ट कर रही हूँ, तो डे 1 डे 2 यानी कि जो जो मैं खाया करूँगी वो मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग में भी शेयर किया करूँगी। इस तरह आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा, अगर जो लोग डाइट करना चाहते हैं तो वो लोग इस तरह भी डाइट। अच्छा, हर इंसान की अलग अलग डाइट होती है क्योंकि हर इंसान का जिस्म मतलब बॉडी शेप्स बॉडी अलग अलग होती है, लेकिन मेरा मानना ये है कि जब आप डाइट कर रहे हो ना, लेकिन रोटी नहीं छोड़नी चाहिए। बहुत से लोग हैं जो डाइट में रोटी छोड़ देते हैं, बट मेरा मानना ये है कि आप रोटी ना छोड़ो। क्यों? क्योंकि रोटी ही तो आपको ताकत देती है, तो अगर आप वही छोड़ दोगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। ऊपर आई थी एक आध पिक्चर लेने, लेकिन इतनी तेज़ बारिश है कि मैं बता नहीं सकती क्या करूँ अब मैं। रही थी कि 2-3 जो है ना बीच निकालो ताकि लगा लूँ, क्योंकि इन दिनों में बारिश होती है ना तो काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो मैं पिक्चर बनाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। नए खूसे पहन के आई थी, लेकिन बाहर ज़रा आप लोग देखें बारिश है, ठीक है, यहाँ पे बारिश है और मैं नए खूसे पहन कर आई हूँ और मेरे खूसे ख़राब हो जाएंगे। मुझे इस चीज़ का भी डर है क्योंकि पानी में तो खूसे ख़राब हो जाते हैं, और बारिश चेक करें, मूनसून की बारिश है, नाम ही नहीं हो रहा बंद होने का। और मुझे मेरी नानी अम्मा कह रही थी कि मुझे ना बीच निकाल दो, पता नहीं मैंने बीच कहाँ उठा के रख दिया। कह रही है इन दिनों में पौधे लगा लेते हैं क्योंकि बारिशें हो रही हैं तो काफ़ी अच्छा हो जाता है, मतलब पौधे जो होते हैं ना वो काफ़ी अच्छे लग जाते हैं। तो यहाँ पे 2-3 लगाए हुए हैं इन्होंने, यहाँ पे कुछ 2-3 लगाए हुए हैं। ये यहाँ पे बैंगन का लगाया हुआ है, और ये पता नहीं कह रही थी कि 2-3 जो है ना इतना बहुत है क्योंकि ये बहुत बड़ा कप है। और ग्रीन टी 3 टाइम पीनी है, ठीक है, हाफ़ पी ली है, हाफ पी रही थी तो याद आया कि व्लॉग भी बना रही हूँ, तो इसलिए आप लोग का शेयर कर रही हूँ। वैसे इस टाइम जो है ना चाय पीते हैं, लेकिन डाइट चल रही है सख्त वाली। तुम लोग ऐसे हंस रहे हो, बंदा कह देगा सख्त वाली डाइट चल रही है, सख्त वाली डाइट लेने आपने लेने सख्त वाली डाइट चल रही। तो ये दोनों यहाँ पे पढ़ रहे थे क्योंकि इनके बोर्ड्स के पेपर हैं, ठीक है। आज का व्लॉग यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।